ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी है इंडियन आर्मी के बिष्णु श्रेष्ठा की। बात है साल 2010 2 सितंबर की। गुरखा रेजिमेंट से रिटायर हुए बिष्णु श्रेष्ठा वेस्ट बंगाल के जंगलों से ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे और तभी ट्रेन जंगलों में रुकती है और 40 चोर आ जाते हैं, 40 लुटेरे आ जाते हैं। उसके बाद वो सब लोगों का सोना लूटते हैं, पैसा लूटते हैं और बिष्णु से भी उनका पर्स ले लेते हैं। ये सब कुछ देखते हुए बिष्णु कोई स्टेप नहीं उठाते, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर बिष्णु का खून खौल उठता है। होता यह है कि बिष्णु के बगल में एक छोटी सी लड़की होती है 18 साल की, उससे वो लुटेरे खींचते हैं और उस पर रेप करना शुरू कर देते हैं। और बस यही देखकर बिष्णु अपना आपा खो बैठते हैं और फिर जो मौत का नंगा नाच होता है वो बहुत ही खतरनाक था। जब लुटेरे बिष्णु से वो पर्स ले रहे थे तो वो एक चीज लेना भूल गए थे और वो थी बिष्णु की खुकरी। फिर जो बिष्णु ने खुकरी से अकेले ही 40 लोगों को मारना शुरू किया है वो बहुत ही खतरनाक नजारा था। बिष्णु ने लड़की की जान को बचाते हुए 3 लोगों को वहीं पे मार दिया और 8 लुटेरों को घायल कर दिया। ये सब कुछ देखकर बाकी के लुटेरों की फटकर 64 गई और वहाँ से भग लिए जंगलों में। फिर लड़की के माता पिता ने बिष्णु को 5 लाख रुपए इनाम देना चाहा, लेकिन बिष्णु ने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं फौजी हूँ, युद्ध में लड़ना मेरा काम है और जो मैंने ट्रेन में किया वो एज ए इंसान मेरा फर्ज था। इसके बाद भारत की सरकार ने उन्हें 2 मेडल्स दिए, सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक। बिष्णु भाई को दिल से सलाम है। बात है साल 2005 की। एक शिकारी ने गोली मारी एक चील को। चील बच तो गई लेकिन उसकी चोंच टूट चुकी थी जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पा रही थी और बहुत लंबे समय तक वो भूखी रही और वो बस मरने ही वाली थी। लेकिन तभी इंसानों ने उसे ढूंढ लिया और फिर 3D प्रिंटिंग की मदद से उसकी नकली चोंच बनाई गई जो ऐसी लगती है और ये उतनी ही मजबूत है जितनी की उसकी असली चोंच होती। आप सबने ह्यूंडई कंपनी का लोगो तो देखा होगा। पहली नजर में ये लोगो बहुत सिंपल लगता है, लगता है कि ह्यूंडई कंपनी का नाम है इसलिए H बना रखा है। लेकिन जब आप इस लोगो को पास से देखोगे तो इसमें आपको 2 लोग हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। इन 2 लोगों में से एक है कस्टमर और एक है ह्यूंडई कंपनी। ह्यूंडई कंपनी इस लोगो से ये दिखाना चाहती है कि कस्टमर का ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन उनके लिए सबसे बड़ी चीज है।